आज आंदोलन का तीसरा दिन है और आज हम लोग फिर बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर आकर के हम लोग आज प्रातः 10 बजे से ही उपवास पर बैठे हैं और हेमंत सोरेन सरकार से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि हेमंत जी थोड़ा अभिभावकों की भी सुनिए। जिस तरीके से अभिभावक परेशान है, लाचार है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि कम से कम उनको शिक्षा से महरूम मत होने दीजिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। आज कम से कम बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, इस ओर आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। 30 तारीख को आप समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, उसमें हमारी गुजारिश होगी, आग्रह होगा, विनम्र प्रार्थना होगा कि कम से कम उस समीक्षा बैठक में जो भी राज्य में जो सरकारी स्कूल हैं, जो गैर सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उसकी समीक्षा करें। जो स्कूल विभिन्न तरह का फीस वसूल रहे हैं, कम से कम वैसे स्कूलों के ऊपर में नकेल लगना चाहिए। साथ ही जिन स्कूलों की आर्थिक हालात खराब, आज बंदी के कगार पर हैं और कई 100 स्कूलें बंद हो चुकी है, उन स्कूलों को कम से कम आपदा राहत कोष से कुछ बजट, कुछ कोष उनको उपलब्ध कराइए, ताकि कम से कम वहाँ के जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनका भी सर्वाइवल हो सके। साथ में बच्चों को लेकर जो आज इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी व्यवस्था जो अभिभावकों को करना पड़ रहा, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, तो सारा खर्च हम लोग कर रहे हैं, बावजूद भी हर तरह का फीस भी भरने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तो कम से कम पिछले साल आपने जो आदेश निकाला था कि ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरा फीस नहीं लेना है, उस तरह के आदेश को फिर से इस साल कंटिन्यू किए, ताकि कम से कम अभिभावकों को थोड़ी राहत मिल सके।